नमस्कार साथियों, किसी काम को पूरा नहीं होने पर आप क्या करते हैं? किसी से लड़ाई होने पर आप जीतने के लिए क्या करते हैं? किसी कोर्ट में केस हारने के डर से आप क्या करते हैं? मेरे हिसाब से तो आप सबसे पहले भगवान को याद करते होंगे कि हे भगवान, हमें इस कठिन दौर से बाहर निकाल या इस मामले में जीत दिला दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के मामलों में किस भगवान का 100% रिजल्ट है, जो आपके हर मामलों में आपके पक्ष में रिजल्ट दे, जिससे कि आप आगे से लड़ाई, झगड़े, मारपीट, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल कर सकें। कुछ अटपटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन यह सही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप भारत के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ सकते हैं कि जीतने के लिए उन्होंने हवन कहां पर कराया था। आप अमिताभ बच्चन को पूछ सकते हैं कि जब फिल्मी कैरियर में ठीक नहीं चल रहा था तो हवन कहां पर कराया था। आप राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से पूछ सकते हैं कि वो विजय होने के लिए कहां पर पूजा करती हैं। इन सब का एक ही जवाब होगा, यकीन मानिए, इन सब का एक ही जवाब होगा कि वो नलखेड़ा वाले बगलामुखी के मंदिर में पूजा करते हैं, हवन करते हैं, ताकि उनका काम पूरा हो सके। जहां खुद 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता पिताम्बरा बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में विराजित हैं। आज सफरनामा आ पहुंचा है माँ बगलामुखी के मंदिर में, और हमेशा की तरह अपनी आवाज के साथ मैं हूँ विनीत श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की नलखेड़ा तहसील में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है यह मंदिर, जो कि शमशान के बीचों बीच है। एक ऐसा मंदिर जहां शक्ति के जागृत दर्शन होते हैं। यह पहले शाजापुर जिले में आता था, अब आगर मालवा जिला बन गया है। माता बगलामुखी के मंदिर में आकर भक्तों के केवल कष्ट ही दूर नहीं होते, बल्कि उसके शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जहां आम दर्शनार्थी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, तो वहीं नेता, अभिनेता और अन्य हस्तियां मुकदमों, महत्वपूर्ण मसलों और चुनाव में जीत की कामना लेकर आते हैं। शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा परमात्मा की संवार शक्ति ही बगला है। पिताम्बरा के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। बगलामुखी माता को तंत्र की देवी कहा जाता है। जो भी माँ बगलामुखी की शरण में जाते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। अगर किसी के जीवन में अभाव, कष्ट, दरिद्रता या अन्य कोई समस्या हो तो उनसे मुक्ति पाने के लिए माँ बगलामुखी का जप करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ माता के प्रकट होने की कई कहानियां विद्यमान हैं, पर कहा जाता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के खिलाफ युद्ध में जीत के लिए पांडवों को पूजा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ तपस्या की, फलस्वरूप यहाँ देवी शक्ति का प्रकटय हुआ। माता ने पांडवों को कौरव पर जीत का आशीर्वाद दिया था। पांडवों में बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने माता का आशीर्वाद पाने के बाद यहाँ मंदिर का निर्माण किया और माता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की। साथ ही मान्यता यह भी है कि माता बगलामुखी की मूर्ति यहाँ पर स्वयंभू है। माता भक्तों को अभय देने वाली है। यहाँ देश भर से शैव और
शक्तमार्गी साधु संत तांत्रिक सहित देश विदेश के कई श्रद्धालु पूजन अनुष्ठान के लिए आते हैं। भारत में माँ बगलामुख के तीन ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, जो दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल, नलखेड़ा जिला आगर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। तीन मुखों वाली त्रिशक्ति माता की मूर्ति में माता बगलामुखी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती विद्यमान है, जो अपने भक्तों को शक्ति, धन और विद्या से परिपूर्ण करती हैं। मंदिर में एक सभा मंडप है, जो आज से लगभग 252 वर्ष पूर्व 1816 संवत में पंडित इबूजी दक्षिणी कारीगर तुलाराम ने बनवाया था। 1815 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। इसी सभा मंडप में एक कछुआ भी बना हुआ है, जो देवी की मूर्ति की ओर मुख करता हुआ है, जो यह प्रमाणित करता है कि प्राचीन समय में माँ बगलामुखी को बलि भी चढ़ाई जाती थी। मंदिर के प्रांगण में ही एक दक्षिणमुखी हनुमान का मंदिर, एक पूर्वमुखी गोपाल मंदिर और पूर्वमुखी भैरव जी का भी मंदिर है। मंदिर के परिसर में एक दीवार पर भी सभी 10 महाविद्याओं की छवि अंकित की गई है, जिसमें काली, तारा देवी, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, मतंगी, बगलामुखी, धूमवती और माँ कमला है। मंदिर का मुख्य द्वार सिंहमुखी अपने आप में आपको आकर्षित करता है। मंदिर के सामने लगभग 80 फीट ऊंची एक दीप मालिका बनी हुई है, जिसमें अनेकों दीप हैं। उन्हें समय समय पर प्रज्वलित किया जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। बगलामुखी माता मूल रूप से तंत्र की देवी है, इसीलिए यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान का अधिक महत्व है। यह मंदिर धार्मिक व तांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ का मिर्ची हवन दुनिया भर में तंत्र साधना और अपने पर आए कष्टों को दूर करने के लिए करवाया जाता है। नवरात्रि में यहाँ माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ नवरात्रि के दौरान हवन का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी के साधक विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। माता को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय है, इसी कारण इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। और इसी वजह से पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीले फूल, पीली मिठाई और पीले रंग की खाद्य सामग्री का भोग यहाँ पर लगाया जाता है। माता का पूजन हल्दी की गांठ की माला के माध्यम से किया जाता है। बगलामुखी का यह प्राचीन शक्तिपीठ पूर्व में सुनसान और वियावान जंगलों के बीच स्थित था, लेकिन समय बदलने के साथ साथ यहाँ चारों तरफ बसाहट होती चली गई। साथियों, आज के अंक में इतना ही। सफरनामा का यह अंक आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है safarnamavineet@gmail.com। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन इस वादे के साथ कि अगले सफरनामा में आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एक और मंजिल, एक और सफ़र। अलविदा साथियों।